हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवांश भसीन एंड वेलकम बैक टू द इन्वेस्टरोलॉजी। सो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं कि कल वेडनेसडे को कौन से स्टॉक्स पे ट्रेड करना है, निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या सेटअप रह सकता है, FII डाटा एंड ऑप्शन डाटा हमें क्या बता रहे हैं। इस पूरी थ्योरी के बेसिस पे हम लोग एक प्रेडिक्ट करेंगे कि मार्केट की मूवमेंट अपसाइड या डाउनसाइड किधर रह सकती है। सो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से मिलता हूँ। हाय एवरीवन, सो हम लोग अपने ट्रेडिंग सेटअप की तरफ आ चुके हैं एंड सबसे पहला स्टॉक जो मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ दैट इज कोफोर्ज। कोफोर्ज लिमिटेड को हम लोग बाय करने के बारे में सोच रहे हैं। ये मैंने आप लोगों को टेलीग्राम इंस्टाग्राम हर जगह रिकमेंड भी करा है। क्या है इसके पीछे का रीजन, क्या लॉजिक है और क्या स्टॉक की साइकोलॉजी होती है एक्चुअल में, वो आप लोगों को आज की वीडियो में पता चलेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर बना के। तो हाइस को कनेक्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। आई थिंक हम लोगों ने हाइस को कनेक्ट कर लिया। हाइस को कनेक्ट करने के बाद हम लोग अब लोस को कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। एंड हम लोग ने लोस को भी कनेक्ट कर लिया। तो अभी ये जो पैटर्न मुझे देखकर लग रहा है, जब मैंने हाइस और लोस को कनेक्ट करा कि ये एक ट्रायंगल पैटर्न के अंदर ये स्टॉक काम कर रहा है ऑन अर्ली टाइम फ्रेम। अब ये एग्जैक्टली अपने रेजिस्टेंस पे है और ब्रेकआउट लेवल पे है, ठीक है। अब थोड़ी सी और फर्दर स्टडी करते हैं। आई थिंक कि ये एक जोन बन सकता है, ठीक है, जहाँ पे ये बार बार पॉज ले रहा है, ओके। इसके अलावा यहाँ पर मुझे एक चीज़ और पता चल रही है। मुझे क्या पता चल रहा है, देखिए ध्यान से समझेगा क्योंकि मैं आपको एक्चुअल में बता रहा हूँ कि चार्ट्स ड्रॉ कैसे करते हैं एंड स्टॉक सेलेक्शन कैसे करा जाता है, ठीक है। जब हमने इतनी चीज़ ड्रॉ करी, अब मैं इसको समझ रहा हूँ चार्ट पैटर्न के अंदर क्या डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पर मुझे एक पैटर्न दिख रहा है जिसे हम लोग कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। मैंने अपनी लास्ट टू वीडियोस, जो भी जितनी दो वीडियोस बनाई थी उस पर भी मैंने हेड एंड शोल्डर पैटर्न के ऊपर बात करी थी एंड यहाँ पर भी मैं आप लोगों को हेड एंड शोल्डर के बारे में ही एक्सप्लेन करूँगा तीनों स्टॉक्स पे कि आपका जो कंसेप्ट है ना एक पैटर्न के ऊपर वो स्ट्रांग हो जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न डेवलप हुआ है और एग्जैक्टली अपने ब्रेकआउट के पास है। तो मेरे को दो चीज़ें पता चली, एक तो ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है प्लस एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब इसको जरा हटा देते हैं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम करता हूँ तो यहाँ पर मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि ये एक लेवल है जहाँ से बहुत ज़्यादा तेजी का हम लोगों को सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा था, ठीक है। हम लोगों को यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, स्टॉक ऊपर गया, यहाँ पर मल्टीपल रिजेक्शंस लिए एंड नीचे आया। अगेन यहाँ पर हम लोगों को एक बियरिश कैंडल देखने को मिली एंड स्टॉक दोबारा नीचे आया, अब ऊपर गया। अब आप देख रहे हैं एग्जैक्ट ब्लैक लाइन पे इसने दोबारा रिजेक्शन लिया है आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर। तो यानी कि ये जो लेवल है 5300 रुपीस का जो एक लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा। अब करना क्या है, यहाँ पर देखिए स्टॉक अभी 5300 रुपीस पे ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर दो सिनेरियो बनते हैं। सबसे पहला सिनेरियो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये टाइम फ्रेम क्या है, 1 आवर का टाइम फ्रेम। तो अगर एक घंटे की कैंडल अगर इस लाइन के ऊपर क्लोज करती है तो हम लोग एक बाय सेटअप जनरेट कर सकते हैं। क्यों, एक तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट होगा और ये जो एक रेजिस्टेंस चलता आ रहा है इसका भी एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, एक बार चेक करते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करके। 15 मिनट का जब मैंने टाइम फ्रेम ओपन करा तो मैंने देखा यार 15 मिनट पे कैंडल ऊपर गई, क्लोज भी करी है बट उसके बाद दोबारा एक सेलिंग प्रेशर आ गया। तो यानी कि मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि अगर मैं 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग बेसिस पे ट्रेड लूँगा तो मेरे को यहाँ पर लॉसेस होने के भी चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक पैटर्न तो डेवलप हो रहा है जो मैं आपको बताता हूँ, अगर थोड़ा सा एक सेकेंड यार, ये एक पैटर्न डेवलप हुआ है। इस पैटर्न को हम लोग क्या कहते हैं, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। ये शोल्डर है लेफ्ट, ये दिस इज हेड एंड दिस इज राइट शोल्डर, इसका ब्रेकआउट अभी नहीं आया है। तो हम लोग एक कंसेप्ट तो मैंने आपको 1 आवर का क्लोजिंग बेसिस बताया, दूसरा कंसेप्ट है कि 15 मिनट का अगर कैंडल, 15 मिनट की कैंडल अगर इस लेवल के ऊपर जो कि 5312 रुपीज है इसके ऊपर क्लोज करती है तो हम लोगों को 3 पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। एक तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न और एक ट्रायंगल पैटर्न जो कि अर्ली चार्ट पे है,
दूसरा 15 मिनट्स पे जो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये बना है, एंड फोर्थ चीज जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस चलता हुआ आ रहा है उसका भी ब्रेकआउट। ठीक है, तो ये चार कंसेप्ट हैं जो हमें बता रहे हैं कि इस स्टॉक के ऊपर हम लोग तब बाय करके चल सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल एक वीडियो बनाता हूँ, एक डेडिकेटेड वीडियो बनाता हूँ और उसमें मैं एक्सप्लेन करता हूँ हेड एंड शोल्डर पैटर्न को कैसे ट्रेड करते हैं। मैंने बोला यार ये शोल्डर है, ये शोल्डर है, ये हेड है, नेकलाइन के ऊपर गया, बाय कर लो। क्या अगर हम लोग अभी बाय करते हैं और ये स्टॉक यहाँ से नीचे आना स्टार्ट हो जाता है, हमें लॉसेज होना स्टार्ट हो जाएगा ना। जब तक आप स्टॉक की साइकोलॉजी और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके स्टॉक के बिहेवियर को नहीं समझोगे तब तक आप ट्रेड नहीं कर सकते। ज़्यादातर जितने भी मेंटोर्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर ज़्यादा वर्क करते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट, पोजिशन साइजिंग, ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर। बट वो लोग ये नहीं देखते कि वो सेकेंड पार्ट है। सबसे पहला पार्ट होता है स्टॉक को फाइंड करना। जब तक आप स्टॉक को बाय नहीं करोगे, फाइंड नहीं करोगे, तब तक ह्यूमन साइकोलॉजी का रोल प्ले नहीं होगा। ठीक है, तो वो लोग फोकस्ड लास्ट चीज पे करते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, स्टॉक का बिहेवियर एंड उसकी साइकोलॉजी को समझना कि वो एक्चुअल में हमें बताना क्या चाहता है। तो इसको समझ लोगे तो ह्यूमन साइकोलॉजी को आप लोग आराम से समझ सकते हो। वो टाइम टेकन है, ये टाइम टेकन नहीं है। ठीक है, तो प्लीज इस चीज को ध्यान से समझेगा। मैं इसके ऊपर बहुत से कंसेप्ट लाने वाला हूँ आने वाले टाइम पे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सो ये स्टॉक समझ में आ गया, 5312 रुपीज के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज करें, बाय करते हैं। अब बात करते हैं सर टारगेट क्या है। देखिए ये स्टॉक बहुत अच्छा है, एक लॉन्ग टर्म चैनल के अंदर काम कर रहा है, हायर हाइज एंड हायर लोस कंटिन्यूसली फॉर्म कर रहा है। अगर आप इसे रखते हैं, देखिए इंट्राडे के लिए भी मैं बता सकता हूँ कि मुझे लगता है अगर ब्रेकआउट देगा तो 40-50 रुपये ऊपर जा सकता है। बट क्यों करना अगर हमें 200 पॉइंट भी मिल सकते हैं, 300 पॉइंट भी मिल सकते हैं। स्टॉक को रखो अपनी वॉच लिस्ट पे, ब्रेकआउट आता है बाय करो। एंड मेरे जो टारगेट्स मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ 5500 to 5600 रुपीज़ के आने वाले 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर स्टॉक को रख सकते हो। ब्रेकआउट देने के बाद अगर कोई डिप देता है ना तो वो और भी अच्छा बाइंग का मौका होगा, बट ब्रेकआउट होने के बाद ही बाय करना है। ठीक है, जो ब्रेकआउट हो जाए, ऊपर जाए, कुछ क्वांटिटीज बाय करो, अगर डिप देता है क्वांटिटीज एड ऑन करो, और ये स्टॉक आपको आने वाले टाइम पे प्रॉफिटेबल ट्रेड बना के दे सकता है। अब बात करते हैं अपने सेकेंड स्टॉक की। हमारा जो सेकेंड स्टॉक है दैट इज पीवीआर। पीवीआर को भी मैं बाय करने की सलाह दे रहा हूँ, एंड इस पे ऐसा क्या बना है इसको भी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से इसको भी जरूर समझेगा, इस पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी का कंसेप्ट है और ये आप लोगों को आने वाले टाइम पे बहुत ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करवा सकता है। तो ध्यान से समझेगा स्टॉक के एनालिसिस को। सबसे पहले का कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, पहले हाइस और लोस को कनेक्ट करते हैं। तो आई थिंक ये रहा हाई, मैं इन हाइस को कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, इन हाइस को कनेक्ट करने के बाद अब मैंने यहाँ पर एक चीज तो सबसे पहले देख ली कि एक पैटर्न डेवलप हो रहा है। उस पैटर्न को हम लोग कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। आप देख पा रहे हैं ये इसका लेफ्ट शोल्डर है। ठीक है, दिस इज हेड एंड दिस इज राइट शोल्डर। ठीक है, सो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न डेवलप हुआ है। अब इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न के एग्जैक्टली अपने रेजिस्टेंस पे है और ब्रेकआउट जोन पे है, तो क्या इसी लेवल पे बाय करना है। ब्रेकआउट आप देख रहे हैं ना, दे चुका है ये। मैं थोड़ा सा जूम करके अगर आपको दिखाऊं, ये देख रहे हैं ब्रेकआउट दे चुका है, तो क्या इसे इसी लेवल पे बाय करना है? बिल्कुल भी नहीं। पहले पूरा साइकोलॉजी और पूरे मल्टीपल टाइम फ्रेम के साथ एनालिसिस करके देखेंगे। ठीक है, सो इतना पोर्शन हमें समझ में आ गया। अब हेड एंड शोल्डर को अभी के लिए हटा देते हैं। अब हमें क्या यूज करना है? लोस को कनेक्ट करना है। आई थिंक ये एक लो है जो मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट लिया है, इधर सपोर्ट लिया है, इधर सपोर्ट ले रहा है। जब मैंने इतना स्टडी करा तो मुझे पता चला कि अगर मैं इस लाइन को हटाता हूँ अभी के लिए, एंड मैं यहाँ पर एक जोन क्रिएट कर देता हूँ दिस, तो मुझे एक चीज़ पता चलती है। ये देखना, एक शार्प इम्पल्स मूव आई यहाँ पर, देखें ये एक शार्प इम्पल्स मूव आई, एक अप ट्रेंड की तरफ स्टॉक गया, एक रेंज बाउंड हुआ और अब ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है। अभी हम लोगों ने स्टडी करा कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट दे चुका है, ये एक फ्लैग पैटर्न भी बना है एग्जैक्टली उसी लेवल पे, बट इसका ब्रेकआउट नहीं आया। हो सकता है ये यहाँ से नीचे आए, इस लेवल से दोबारा बाउंस करके ऊपर ब्रेकआउट दे। देयर इज अ सिनेरियो, ये पॉसिबिलिटी है। तो क्या अभी हमें बाय कर लेना है? अभी भी बाय नहीं करना। अब और फर्दर स्टडी करते हैं। क्या हमने एक चीज तो पता लगा ली, जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो ब्रेकआउट लेवल था, जो ब्रेकआउट लेवल था वो भी 1410 के आसपास है। अभी क्लोजिंग प्राइस है 1407 रुपीज़।
तो 1400 से लेके 1410 रुपीज़ के बीच में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट है। एक फ्लैग पैटर्न जो बना है एग्जैक्टली उसका भी उसी लेवल पे ब्रेकआउट है। तो 10 रुपये के अंदर अंदर हमें पता चल रहा है कि दो ब्रेकआउट्स पैटर्न के हमें देखने को मिल रहे हैं पीवीआर पे, अभी तक आया नहीं है। अब और स्टडी करते हैं क्या ये लेवल एक्चुअल में स्ट्रांग है कि नहीं है। अब आता है साइकोलॉजी का काम। अब हम जूम करेंगे इस लेवल पे क्योंकि हमें प्रीवियस इतना लंबा देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पर ऑब्जर्व करना है क्योंकि ब्रेकआउट यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है। तो यार जब मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि यहाँ से जब ये स्टॉक गिरना स्टार्ट हुआ, ये टॉप था, ये टॉप से स्टॉक गिरना स्टार्ट हुआ, जब यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ तो कितनी बार ऊपर गया? एक बार ऊपर गया, दो बार ऊपर गया, तीन बार ऊपर गया, चार बार ऊपर गया, अब पांचवी बार ऊपर आया। ऊपर आया तो क्लोजिंग कितनी बार ऊपर किस लेवल पे देखने को मिली है? अगर मैं देखूँ एक बार क्लोजिंग इस लेवल पे देखने को मिली है, सेकेंड टाइम इधर, मैं थोड़ा सा और जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिएगा, एक बार फर्स्ट क्लोजिंग यहाँ देखने को मिली है, सेकेंड क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली है, थर्ड क्लोजिंग इधर देखने को मिली है। इसके ऊपर डेफिनेटली गया है बट क्लोजिंग ऊपर नहीं हुई है, ठीक है। इसके अलावा दोबारा इधर आया। अब मैं क्या एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ क्लोजिंग्स के ऊपर? हाँ, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, मैं इसको थोड़ा सा ब्लू कर देता हूँ तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। या ये ब्लू लाइन को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ये साइकोलॉजी पॉइंट है कि इस ब्लू लाइन के ऊपर अभी तक हमें क्लोजिंग देखने को नहीं मिली है। कब से? ऑलमोस्ट जून से, जून जुलाई अगस्त सितंबर हो गया, ठीक है। तो अभी तक हमें क्लोजिंग देखने को नहीं मिली है। अब आप स्टॉक आज का डाटा देखो, आज डेली है ना, स्टॉक का हाई क्या था? एग्जैक्टली वही लेवल, और वहीं से वो नीचे गिरना स्टार्ट हुआ। तो हमें एक चीज़ तो पता चल गई, अभी तक हम लोगों ने एजम्पशन क्या लगाया, अभी तक हम लोगों ने एजम्पशन लगाया और प्रेडिक्ट क्या करा कि 1400 से 1410 के ऊपर अगर जाएगा तो ही हमारे लिए बाय बनता है। क्यों? तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट, एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट। बट जब हम लोगों ने स्टॉक की साइकोलॉजी और बिहेवियर को समझा तो पता चला कि भाई अगर आप 1412 में या 13 में या 14 पे भी बाय करते हो, देयर इज अ स्लाइटली रिस्की चांस कि वहां से भी वो स्टॉक नीचे आ सकता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जाएगा तो ही हमारे लिए एक परफेक्ट बाय सेटअप जनरेट होगा, और वो लेवल क्या है? 1417 रुपीज का, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको कोई पढ़ाएगा ना, आप स्टॉक मार्केट को आराम से जीत सकते हो, ठीक है। सो 1417 के ऊपर जाएगा तो मेरे लिए बाय सेटअप है। इतना पता चल गया कि मुझे 1417 के ऊपर बाय करना है। अब क्या देखकर बाय करना है, हमने ये भी पता लगा लिया। अब कैसे बाय करना है उसको पता लगाते हैं। तो चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब मैं आया तो मैंने देखा कि यार यहाँ पर कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा है, पहले इसको स्टडी करते हैं। आई थिंक यहाँ पर कुछ ये एक लाइन है, इसके अलावा मैं कुछ अगर ड्रॉ भी करना चाहूँ तो मैं ये ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ये एक रेंज है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसके ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है तो मैं बाय आराम से कर सकता हूँ। थोड़ा सा इधर जाएं, ये देखिए आप देख सकते हैं, मैंने क्या बोला, 1417 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज करेगी तो बाय करने के बारे में सोच सकते हैं। जब यहाँ पर मैंने फर्दर स्टडी करी तो मेरे को पता चला यार 1417 भी छोड़ो, ये तो यहाँ पर अगर 1417 तक कोई स्टॉक ब्रेकआउट देता है, 1417 के ऊपर अगर पीवीआर कभी भी जा रहा है तो वो सीधा 1435 तक जाता है, मतलब 15 से 20 रुपये आराम से मूवमेंट ऊपर की तरफ देता है, ठीक है। फर्स्ट टाइम दिया, सेकंड टाइम दिया, डबल टॉप क्रिएट करा। तो मुझे एक चीज़ पता चल गई, अगर मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ तो अगर 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती है तो मैं बाय करूँगा। मेरा टारगेट होगा ये वाला जो कि बार बार यहाँ से फॉल आता है। अगर इसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई जो कि यहाँ पर अभी तक हमें देखने को नहीं मिला, तो फिर एक नया सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा। फिर तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी ब्रेकआउट, फ्लैग पैटर्न का भी ब्रेकआउट, और हम लोगों ने अभी जितनी भी चीज़ें पता लगाई है सबका ब्रेकआउट कन्फर्मेशन मिल जाएगा। आई होप आप मेरा ये वाला पॉइंट समझ गए होंगे। आप देख पा रहे होंगे कि इसके ऊपर जब भी जाता है तो इसी को टेस्ट करता है, तो अगर हम इसके ऊपर बाय करेंगे तो ये हमारा टारगेट होगा, ठीक है। तो हम इंट्राडे पोजिशन में खेल सकते हैं। अगर इसके ऊपर जाता है तो हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए इसको स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। ये माइंडसेट आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड एंड लास्ट स्टॉक की। आई होप आपको ये दो स्टॉक ऐसे समझ में आए होंगे जो आपको कोई नहीं समझाता होगा। सो बात करते हैं थर्ड स्टॉक के बारे में।
सो हमारा थर्ड स्टॉक एंड लास्ट स्टॉक है स्यूबेक्स लिमिटेड। स्यूबेक्स लिमिटेड पे क्या ऐसा बना है, और ये भी मुझे टेलीग्राम पे ही किसी ने बताया था कि ये स्टॉक पे ब्रेकआउट आ रहा है, आप इसे बाय कर सकते हैं। सो हम लोग आपसे क्या करने वाले हैं, आप मेरा टेलीग्राम डेफिनेटली ज्वाइन करिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं बहुत सारे स्टॉक्स रिकमेंडेड आप लोगों को रिकमेंडेशंस देते रहता हूँ विद चार्ट्स विद लॉजिक्स, ठीक है। और उसके बाद मैं डालता हूँ कि अगर आप लोगों को कोई चार्ट पैटर्न्स में ब्रेकआउट देख रहे हैं तो आप हमें बताएं, अगर उस पर एक्चुअली आता है तो मैं उस पर भी ट्रेड आप लोगों को दूंगा एंड आप लोग ले सकते हैं। सो ये स्टॉक एंड कोफोर्ज, ये दोनों ही मुझे बताए गए थे कि इन पर ब्रेकआउट आ रहे हैं, डेफिनेटली अच्छा ब्रेकआउट थे। तो अब स्टॉक की एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता है क्या करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना है। सो आई थिंक ये बॉटम है, हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये एक सपोर्ट का काम करा, ठीक है। इसके अलावा रेजिस्टेंस बना लेते हैं, आई थिंक रेजिस्टेंस ये बन सकता है। बट क्या रेजिस्टेंस वाली लाइन की नीड है, स्टॉक ट्रेड कर रहा बेटा इधर और रेजिस्टेंस है बहुत दूर, तो रेजिस्टेंस की लाइन की नीडिंग नहीं है, तो इसको हटा दो। अननेसेसरी हमें कोई भी लाइंस को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा यहां पर जब मैं एक चीज को देख रहा हूं तो यहां पर मुझे एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। वो पैटर्न क्या होता है, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, सबसे पहले आप देखिएगा ये बॉटम है और ये टॉप है। जब बॉटम और टॉप से मैंने मिलाया एग्जैक्टली कहां पर इसने डबल और ट्रिपल बॉटम क्रिएट करा, 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल पे, ठीक है, इस लेवल पे। तो यहां पर एक पैटर्न बना जिसे हम लोग कहते हैं बुलिश साइफर पैटर्न। सो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। दिस इज एक्स ए ए बी बी सी एंड सी टी, तो ये एक बुलिश साइफर पैटर्न होता है एंड इसका एक ब्रेकआउट आया है इस लेवल पे। अब हम लोग इसको ट्रेड कैसे करते हैं, ये जो फिबोनाची मैंने बना रखा है, इस फिबोनाची पे जहां पर सपोर्ट लेता है, जिस लेवल पे सपोर्ट लेता है, जिस रिट्रेसमेंट पे सपोर्ट लेता है, उसके ऊपर वाला जो रिट्रेसमेंट होता है ना, अगर उसको ब्रेकआउट दे दे तो हम लोग ट्रेड कर लेते हैं, तब हम अपनी एंट्री पॉइंट ले लेते हैं। सो इसका ऊपर वाला 50 है, तो आज 50% के ऊपर इसने अपनी क्लोजिंग दे दी है। सो कल अगर कोई भी डिप देता है 1 रुपये 2 रुपये की, मतलब 53-54 रुपीज के आसपास अगर ये आता है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा मौका होगा इस स्टॉक को बाय करने के लिए, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं, ये हो सकता है, पहला सिनेरियो बन सकता है कि कल खुलते ही ऊपर जाना स्टार्ट कर दे, अदरवाइज ये एक बार डिप देने की कोशिश करे एंड उसके बाद ऊपर जाए, दोनों सिनेरियो पे ये स्टॉक काम करके रख सकता है, ठीक है। यहां पर इसके अलावा अगर मैं इस पैटर्न को हटाऊं, ठीक है, इस पैटर्न को हटाता हूं, अब यहां पर मुझे एक चीज और दिख रही है कि यहां पर इसने एक ये लाइन है, ये देख रहे हैं, एक फॉल आया, एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म करा एंड उसका हायर साइड में ब्रेकआउट करा है, वो भी एक डबल बॉटम सिनेरियो बना के। सो ये स्टॉक अच्छा है, ज्यादा अच्छा नहीं है, बिकॉज एक बियरिश पैटर्न का हायर साइड में ब्रेकआउट हुआ है। देखिए, एक तो ट्रेंड लाइन का तो बहुत बढ़िया सपोर्ट है, ये जो हम लोगों ने ट्रेंड लाइन बनाई है इसका बहुत बढ़िया सपोर्ट है, पहला पॉइंट बाय साइड में। दूसरा पॉइंट, एक बुलिश साइफर पैटर्न बन रहा है जो कि एक हार्मोनिक पैटर्न होता है, दो पॉइंट बाय साइड में। तीसरा पॉइंट को जब मैंने स्टडी करा तो मुझे पता चला एक शार्प फॉल के बाद एक रेंज बनाई एंड उसका हायर साइड में ब्रेकआउट दिया है, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, ठीक है। बट क्या तब भी बाय कर सकते हैं, कर सकते हैं, कैसे, इसे रिमूव कर देते हैं। अब यहां थोड़ा बहुत स्टडी करते हैं, ठीक है। मैंने स्टॉक को देखा कंटिन्यूसली लोअर लोज लोअर हाइज फॉर्म कर रहा है, नीचे आया हल्का सा पुल बैक, अगेन नीचे हल्का सा पुल बैक, अगेन नीचे हल्का सा पुल बैक, अगेन नीचे, एंड इट क्रिएटेड अ डबल बॉटम। क्या हुआ यहां पे, इसने करा क्या, इसने, मैं आपको दिखाता हूं, एक फॉल आया, अपसाइड फॉल आया, अभी डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है। रिवर्सल कैसे पता चलेगा कि यहां पर अब रिवर्सल आ रहा है, ये करेगा इस तरीके का, इसने यहां पर सपोर्ट लिया, अब ये ऊपर जा रहा है, अब ये हल्का सा नीचे आया, अब ये दोबारा ऊपर जा रहा है। तो यहां पर हमने क्या देखा, लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे हैं, एक डबल बॉटम क्रिएट हुआ, मतलब जो सेलिंग साइड था, बियरिश साइड था, वो पॉज हो गया, अब ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है और यहां से ये हायर हाइज एंड हायर लोज फॉर्म कर रहा है। सिमिलरली फॉल आते रहा, लोअर लोज लोअर हाइज बनाते रहा, यहां पर इसने डबल बॉटम क्रिएट करा, ऊपर गया, ये वाला जो हाई था इसको ब्रेक करने की कोशिश करी, नहीं कर पाया, बट ये नीचे आया तो इसने अपने लो को भी ब्रेक नहीं करा, तो सिनेरियो एक पॉइंट तो पता चल गया कि अब जो रिवर्स, ये जो बियरिश मूवमेंट था इसका रिवर्सल हो रहा है, अब इसने अपने प्रीवियस तीनों हाइज को क्रॉस करके ऊपर की तरफ चला गया, तो यानी कि यहां पर एक ट्रेंड रिवर्सल का कंफर्मेशन मिल चुका है। सो एवरी डिप इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक, ठीक
ठीक है, अब बात करते हैं सर टारगेट्स तो बताइए। तो टारगेट्स के लिए मैं यूज करता हूँ फिबोनाची, दैट इज द टॉप एंड द बॉटम। अब इस लेवल के ऊपर ही ब्रेकआउट दे रहे तो आई थिंक द फर्स्ट टारगेट शुड बी 58.5 to 59, सेकेंड टारगेट शुड बी 61 एंड थर्ड टारगेट शुड बी 65 रुपीज़। 65 रुपीज़ तक भी ये स्टॉक जा सकता है। अगर मैं इस विक को इंक्लूड कर लूँ तो भी मुझे लगता है कि 62 रुपीज़ तक तो ये मिनिमम स्टॉक जा सकता है। परसेंटेज की बात करूँ क्या मैं, सो परसेंटेज शुड बी अराउंड या 13% का रिटर्न ये स्टॉक आपको दे सकता है। बट जो कैटेगरीज जो लेवल्स बताएं कि उसी के ऊपर बाय करना है या इस स्टॉक को डिप में ही बाय करना है तो वही समझेंगे तभी ट्रेड ले पाएंगे। अब आधे लोग क्या गलती करेंगे, कल खुलेगा जैसे पीवीआर उसी टाइम बाय कर लेंगे, देखेंगे नहीं कि शिवांग सर ने बताया क्या था कि लेवल का क्लोजिंग वेट करना है, इसका वो वेट करना है, वो लोग तुरंत बाय कर लेंगे, लॉसेज होंगे तो हमें बताएंगे। ये गलती नहीं करनी, जब सुन रहे हो तो पहले समझो और उसी को इम्प्लीमेंट करो। अपना दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगा सकता अगर आपको नॉलेज नहीं है, अगर है तो ही आप अपने माइंड के थ्रू अपने सिनेरियो के थ्रू चेंजेस कर सकते हो, अदरवाइज जो बता रहा है उसे इम्प्लीमेंट करो, ठीक है, और समझो। अब बात करते हैं गाइस निफ्टी और बैंक निफ्टी की एंड इसके बाद ऑप्शन डाटा एंड FIIs के डाटा के थ्रू स्टडी करते हैं। कल मैंने आप लोगों को एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी दी थी निफ्टी के ऊपर, क्या वो प्रॉफिटेबल आज के दिन है या नहीं है, क्या आज के दिन उसी स्ट्रैटेजी को कल अगर कोई खरीद नहीं पाया तो क्या कल भी मार्केट में वो खरीद सकता है कि नहीं खरीद सकता, सारी बातें करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो बने जरूर रहिएगा। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, 1 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस करने हैं गाइस इस महीने के अंदर, ये एम है हमारा। और मैंने सीरीज सोच ली है कि मैं कौन सी सीरीज आप लोगों के सामने लेकर आने वाला हूँ जो कि ऑप्शंस के ऊपर है, ऑप्शंस के ऊपर बेसिक टू एडवांस पूरी ऑप्शन की प्लेलिस्ट मैं आप लोगों के लिए बनाने वाला हूँ। एवरी संडे अपलोड होगी या एवरी सैटरडे अपलोड होगी वो मैं अभी टाइम डिसाइड कर लूँ, रिकॉर्ड कर लूँ एंड एडिटेड के भेज दूँ। सो बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। सो हम लोगों ने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया, यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिल रहा है इसको स्टडी करते हैं। देखिए जो कल की क्लोजिंग थी, कल की क्लोजिंग थी एग्जैक्टली इस लेवल पे, मैंने बोला था हमें शॉर्ट करना है। शॉर्ट कब करेंगे, जब ये वाली जो लाइन है इस लाइन के नीचे अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो हम लोग शॉर्ट करेंगे फर्स्ट टारगेट एंड सेकेंड टारगेट। और मैंने क्या बोला था कि स्टॉक ये जो इंडेक्स है ये इस लेवल के ऊपर नहीं जा सकता बिकॉज यहाँ पर पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस एंड तीसरा रेजिस्टेंस, ठीक है, तो इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। गैप अप खुला, यहाँ तक आया, शुरुआत के आधे घंटे में यहाँ तक आया, उसके बाद कंटिन्यूसली नीचे फॉल करते रहा, सपोर्ट का लिया एग्जैक्टली इस लेवल पे। क्यों, फर्स्ट रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस मल्टीपल रेजिस्टेंस थे, ब्रेकआउट दिया नीचे आया सपोर्ट लिया, सो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। अब यहाँ से रिवर्सल अभी तक आया नहीं है तो ये परफेक्टली अभी स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ। अगर कल एक गैप डाउन देखने को मिल जाता और इसके नीचे चले जाता है तो भी हम लोग शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। इसके ऊपर अब हमें बाय करना है, दोबारा बता देता हूँ, ये लेवल अगर ऊपर की तरफ क्रॉस होता है तो बाय करेंगे, अगर ये लेवल नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो शॉर्ट करेंगे। इस पूरी रेंज के अंदर हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना। और मेरे को जो लग रहा है, जो पर्सनली मुझे लग रहा है कि ये इसी रेंज के अंदर और 10-20 रुपये ऊपर या 10-20 रुपये नीचे ही एक्सपायरी होने वाली है। मैंने आपको क्या कहा था कि 17,350 पे 17,350 पे ट्रेड कर रहा है निफ्टी, 150 पॉइंट ऊपर 150 पॉइंट नीचे, ये एक रेंज है, इसी पे क्लोजिंग देखने को मिलेगी। और इसी के बेसिस पे मैंने एक आपको आयरन बटरफ्लाई की ऑप्शन स्ट्रैटेजी दी थी एंड उसको हम लोग देखेंगे कि उसका रिजल्ट क्या रहा। सो अगर अभी आप लोगों को वो चाहिए तो आप अभी भी मेंटेन कर सकते हो। क्यों, क्योंकि वो अभी भी 17,350 के आसपास ट्रेड कर रहा है, बट वो अब थोड़ा आप लोगों के लिए रिस्की हो जाएगा क्योंकि वो प्रीमियम गिर गए हैं उसके, हम लोगों ने क्योंकि शॉर्ट हेजिंग करी हुई थी तो प्रीमियम गिर चुका है, उसकी वजह से आपको प्रॉफिट कम होगा और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत कम होगा, ठीक है, बट लेने के चांसेस आपके पास अभी भी है। ये बता दिया, बैंक निफ्टी की बात करते हैं। सो बैंक निफ्टी हमें क्या सजेस्ट कर रहा है, बैंक निफ्टी देख सकते हैं ये दो पर्पल ब्लू कलर की लाइन्स मैंने ड्रॉ करी हुई है, ये इस पर्टिकुलर ट्राइंगल पैटर्न के अंदर ये इंडेक्स काम कर रहा है। एग्जैक्टली अभी यहाँ पर मैंने एक जोन क्रिएट करा हुआ है, एग्जैक्टली यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है, अगर ये इस जोन को इस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ तोड़ देता है तो हम लोग सिंपल शॉर्ट कर सकते हैं, फर्स्ट और सेकेंड टारगेट है, अदरवाइज ये अपर रेजिस्टेंस वाला जो ये रेंज है इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो फर्स्ट और सेकेंड टारगेट है। अब इस पर कहाँ पर ट्रेड नहीं करना, आपको इस रेंज के अंदर
इस रेंज के अंदर आपको ट्रेड करना ही नहीं है, ठीक है। इस रेंज के अंदर हमें ट्रेड नहीं करना है, इसके ऊपर जाएगा तो बाय करेंगे, इसके नीचे आएगा तो हम शॉर्ट करेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था, हायर साइड में दो टारगेट बता दिए, लोअर साइड में दो टारगेट बता दिए। अब बात करते हैं ऑप्शन स्ट्रैटेजी और ओपन इंटरेस्ट की और एफआईआर डाटा की, चलते हैं। सो जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं, ये मेरी कल की वीडियो है जो मैंने आप लोगों को प्रेजेंट करी थी, और इस वाली वीडियो पे मैंने आपको बताया था। तो मैंने आपको क्या बोला था, आप यहाँ देख सकते हैं कि 16th of September की एक्सपायरी है और हम लोगों ने ये स्ट्रैटेजी बनाई थी। इस स्ट्रैटेजी में हम लोगों ने क्या देखा था कि 17,150 की पुट बाय करी थी, 17,550 का कॉल बाय करा था, ठीक है। और हम लोगों ने दो ऑप्शंस को सेल भी करा था, 17,350 का पुट सेल करा, 17,350 का कॉल सेल करा, ठीक है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये प्राइस है, इस प्राइस को आप देखिएगा और मैं इसको हटाता हूं एंड हम आज के प्राइस पे चलते हैं। सो हम लोगों ने 17,150 का पुट जो बाय करा था वो 1900 रुपये पे करा था, अभी वो 11 रुपये पे चल रहा है, तो हमें कितने का नुकसान हो रहा है, 8 रुपीज का लॉस हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने एक 17,550 का कॉल भी बाय करा था 15 रुपीज पे, वो ट्रेड कर रहा है 3 रुपीज पे, यानी कि 12 रुपये का इधर भी नुकसान हो रहा है, तो इन टोटल हम लोगों को 20 रुपये का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा हम लोगों ने 17,350 का जो पुट है 74 रुपीज पे शॉर्ट करा था और वो अब ट्रेड कर रहा है 63 रुपीज पे, तो यानी कि 11 रुपीज हमें यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है। इसके अलावा हम लोगों ने कॉल भी शॉर्ट करा था 82 रुपीज पे, जो कि अभी 50 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, 32 रुपीज का प्रॉफिट यहाँ पर भी हो रहा है। तो हमें लॉस कितने का हो रहा था, 12 और 8 20 रुपये का लॉस हो रहा था, ध्यान से समझिएगा। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 42 रुपीज का हो रहा है, तो इन टोटल अगर हम माने तो हमें 22 रुपये का एक लॉट में प्रॉफिट हो रहा है। अब क्या होगा अगर इसी रेंज के अंदर क्लोजिंग देता है, तो हम लोगों ने जो ये 70 रुपये और 80 रुपये बेच रखे थे, 150 रुपीज हम लोगों ने जो शॉर्ट कर रखा था, ये पूरा का पूरा 150 हमारी जेब में आ जाएगा, और ये जो 14 रुपये और 18 रुपये जो 30 रुपये है, ये 30 रुपये हमें नुकसान दे जाएगा। तो 150 का प्रॉफिट माइनस 30 रुपीज इक्वल्स टू 120 रुपीज का आपको एक लॉट में प्रॉफिट होगा, मतलब 120 × 75 7,000-8,000 रुपये का आपको यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर ये एक्सपायरी हमारे अकॉर्डिंग चल रही है और मेरे हिसाब से चल भी रही है, तो क्या अभी भी ले सकते हैं इन करंट प्राइसेस पे, नहीं इन करंट प्राइसेस पे सॉरी अभी नहीं ले सकते, ठीक है, ये थोड़ा सा लग हो गया था, हाँ अभी इन करंट प्राइस पे आप ले सकते हैं, डेफिनेटली आप इन करंट प्राइस पे भी ले सकते हैं। ज़्यादा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली है, आई थिंक जस्ट गिव मी अ सेकेंड, हम लोगों ने प्राइसेस गलत ले लिया है, ठीक है। बट ये वाली जो स्ट्रैटेजी है आप इसको इंप्लीमेंट करके चल सकते हो, कल भी आप लोग इसे बाय करके चल सकते हो। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन की, तो ऑप्शन चेन पे एक बार चेक कर लेते हैं। सो करंट प्राइस है 17,380 का, तो एट द मनी 17,400 है। 17,400 पे अगर मैं कॉल राइटर देख रहा हूँ तो सबसे हाईएस्ट है, सबसे हाईएस्ट 17,400 पे कॉल राइटर है, जो कि 54 लाख है। एंड अगर मैं सेकेंड हाईएस्ट देखूँ और वो है 17,500 पे, जो कि 47 लाख है। सो अगर मैं इन टोटल देखूं तो 120 लाख क्वांटिटीज का ओपन इंटरेस्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर मैं पुट राइटिंग की बात करूं तो हाईएस्ट पुट राइटिंग है 17,300 पे एंड सेकेंड हाईएस्ट है 17,200 पे, ठीक है। सो जो मैंने आपको अभी स्ट्रैटेजी बताई है ये वाली कि 17,150 का पुट बाय कर सकते हैं, 350 का कॉल और पुट शॉर्ट कर सकते हैं, 550 का कॉल बाय कर सकते हैं, ये पूरी स्ट्रैटेजी आप कल भी बाय करके चल सकते हैं अगर एग्जैक्टली निफ्टी इसी लेवल पे ओपन होती है, ठीक है, ये आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड बना के चल सकता है। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ तो पता चल गई है जब मैं ये पूरा स्टडी कर रहा हूँ कि 17,216 तारीख से पहले पहले ब्रेक हो गई नहीं, और 17,500 ऊपर की साइड में 16 सितंबर से पहले ब्रेक हो गई नहीं, तो यानी कि इसी रेंज के अंदर काम करने वाला है, इन 300 पॉइंट के अंदर काम करने वाला है। तो इसी 300 पॉइंट के लिए हम लोगों ने एक आयरन बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी बनाई है, इसको आप डेफिनेटली चेक कर सकते हैं। एक बार एफआईआर डाटा चेक कर लें, तो एफआईआर डाटा हमें क्या बता रहा है उसको पता कर लेते हैं। तो 14th of September का डाटा ये है एंड कॉल पे वो लोग लॉन्ग है 1.57 लाख क्वांटिटीज पे एंड पुट पे वो लोग लॉन्ग है 2.3 लाख क्वांटिटी, तो यानी कि वो लोग ऑप्शन साइड में 50,000 क्वांटिटीज के अगर मैं डिफरेंस मानूँ तो उन लोगों ने शॉर्ट पोजिशन या फिर वो लोग बियरिश है। थोड़ा सा नीचे आते हैं,
इंडेक्स उन्होंने फ्यूचर शॉर्ट कर रखा है 197 करोड़ का, ठीक है। अब हम लोगों ने अभी जब बात करी थी 190, मंडे को उन्होंने 1700 करोड़ का फ्यूचर शॉर्ट करा था, कल उन्होंने 900 करोड़ का फ्यूचर शॉर्ट करा था और आज 200 करोड़ का फ्यूचर शॉर्ट करा है। वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग फ्यूचर को शॉर्ट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं स्टॉक्स पे लॉन्ग जा रहे हैं, स्टॉक्स पे लॉन्ग जा रहे हैं, फ्यूचर को शॉर्ट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहेगी। हल्का सा इंडेक्स ऊपर जाएगा, हल्का सा तेजी से नीचे आएगा, तेजी से ऊपर जाएगा, तेजी से नीचे आएगा, वॉलेटिलिटी रहेगी, यानी कि रेंज बाउंड रहेगी मार्केट। रेंज बाउंड रहेगी मार्केट तो हम ऊपर का कॉल शॉर्ट कर सकते हैं, नीचे का पुट शॉर्ट कर सकते हैं, इससे हम लोग प्ले कर सकते हैं और स्टॉक्स के अंदर, स्पेसिफिक स्टॉक्स के अंदर लॉन्ग जा सकते हैं। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं, मैं बार बार आप लोगों को बियरिश साइड की तरफ मूवमेंट कर रहा हूँ, बट स्टॉक्स में बुलिश दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इनका फैक्टर देखें, वो लोग स्टॉक्स पे बुलिश है, इंडेक्स के अंदर वो लोग साइडवेज टू डाउन ट्रेंड है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इतना पता चल गया मार्केट रेंज बाउंड है, रेंज बाउंड के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजीज बिल्ड करके ट्रेड कर सकते हैं, स्टॉक्स के अंदर हम लोग क्लियरली लॉन्ग जा सकते हैं। सो गाइस, ये थी मेरी एनालिसिस, फुल टू एनालिसिस मैं इस तरीके से करता हूँ। अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा, सर आप कैसे स्टॉक्स फाइंड करते हो अगले दिन के लिए, और आप वीडियो बनाने के बाद अलग से मेहनत करते हो? बिल्कुल भी नहीं। ये जो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, ये मेरी प्रैक्टिस हो रही है, यही मेरी एनालिसिस है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से स्टॉक्स फाइंड करता हूँ, तो इन्हीं स्टॉक्स पर मैं भी ट्रेड करता हूँ, ठीक है। आप मेरा पॉइंट समझ रहे होंगे। सो बहुत मेहनत से ये स्ट्रक्चर और बहुत डेडिकेटेड वीडियो ये आज की बनी है। शेयर करिए लोगों के साथ, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, एंड लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी दुआ जरूर देते रहिएगा हम लोगों को, एंड हम लोग बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे, हम सब लोग साथ में बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, लिसनिंग दिस होल वीडियो। प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम एज वेल, एंड हर जगह फॉलो करिए, एंड हम आप लोगों को बहुत बढ़िया डिटेल एनालिसिस प्रोवाइड करवाते रहेंगे। बाय बाय, हैव अ गुड डे।